सात जन्म के ते महातारी मैं तुरे पाके जन्म दाई तोरे को खेले भाग अपन सहारा Oh,
Thank you.
उसे महफिल को देनी है वो सारे गम भुला कर दो ये सारे प्यार के रिश्तों को जरा यहाँ हयात की गाथा तो बस गाने ही आए हैं और इजाजत तुम मुझे बहनों जरा ताली बजा कर दो इजाजत तुम मुझे भाइयों जरा ताली बजा कर दो कोई होठों से मुझ कहता है कह दिल पे कोई बात होती है। अरे हमने तो सुना है कि सनाव बस्ती वह बस्ती है जहाँ तालियों की बरसात होती है जहाँ तालियों की बरसात होती है जहाँ तालियों की बरसात होती है। भाग्य के बाद कहीं लाई हुई जिन हर आज हापण के पावन धराम पावन ग्राम सनम हे श्याराम जय किया जमाता गंगा हे तोंदाई अपन के गांव के गली खोल मां श्याराम अपन धारा में सुंदर राम नाम रस दुखो के हे श्याराम जय आज राम नाम के रस दुखो करके अपन के गांव के गली खोल मां सुंदर भावार्थी हे श्याराम जय श्याराम जय में आप मन हे तोंद श्याराम डुबकी लगा करके गोता लगा करके भगवान की कथा के रसपान करत हो हे श्याराम धन्य है हम लोगन के जीवन लगाई जेन ही गंगा में डुबकी ए मृत्यु लोग के नियम है राई जेन मनुष्य के ऊपर कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाना बोला उस चीज के हंकार हो हे श्याराम काकरो अगर धन ज्यादा हो गए तो धन के हंकार हो जाए काकर रूप ज्यादा सुंदर है श्याराम तोला अपन रूप के अहंकार हो जाते हे श्याराम आज ताकत के अहंकार में चूर है तन से राई पृथ्वी में पूरा हरि के नाम लेने वाला मल्ला मारा थे हे श्याराम राम का परंत असुर अति बाढ़ी हो रामा अत्याचार में भयभीत हे श्याराम माता धरती है तुम कंस के अत्याचार में रसातल में धसी बढ़ जावत रह गई माता धरती देवता मन पुकार लगावत गाय के रूप बना करके देवता मन के सभा में पहुंचे हे श्याराम हाथ में जोड़े माता धरती रहत मुक्ति लगकर के कथि देवता हो ये धरती के राज न बचा ले बिना ये धरती के जब तक खतरा में पड़े हे श्याराम जय देखो राजू ये माता धरती काकर नाम से टिके है भगवान के नाम से अगर ये धरातल में परमात्मा के नाम मिले नहीं नाम लेने वाला नहीं रही तो माता धरती के धरती लोग में कोई अस्तित्व नहीं है। आज कल से अत्याचार में भयभीत माता धरती गाय करी बनाकर देवता मंत्र हाथ जोड़ के विनती करी देवता मन हलो पृथ्वी माता धरती हम तो कोई सहायता नहीं कर सकते श्याराम माता धरती के बाद रसूल के देवता मन पृथ्वी हम तो कोई सहायता नहीं कर सकते काबर ए मृत्यु लोक में जो हमार भाग के यज्ञ हवन हो तो वहू हे तो बंद हो गए हे श्याराम ये तो बात हे श्याराम आज आपमन के गांव में यज्ञ होवत राम नाम के है ना जेन में हवन कुंड बने जेन हवन कुंड में जो आहुति डाल धन्ना ओ देवता मन के बन थे ताकत लेकिन आज पृथ्वी लोग में देवता मन के हितान भाग के यज्ञ हवन होना बंद हो गए हे श्याराम एकर कारण से देवता मन हे तोर माता धरती जात थे लाई हम तोर कोई सहायता नहीं कर सकत हे श्याराम आज सबों के
चार मंत्र करके ब्रह्मा जी के लगे ब्रह्मा जी के तही को युक्ति बना बोलो जिन में हमारे दुख निवारण हो सके थे आज सबों के बात रसने ब्रह्मा जी रहे तुम दाई हम सबके पुकारे के जन सुन सकते थे सियाराम हम सबके पुकारे के जन सुनी कौन अखिल ब्रह्मांड के नायक दीन बंधु दीन दास परम पिता परमेश्वर जगत के पति वैकुंठ पति श्री हरिष्ठ भगवान बोल श्री भगवान की ऐसे करके भाई सब के सब आज भगवान विष्णु लखतार लगावत थे के सियाराम जैसे भगवान विष्णु के सभा में पहुंची साथ में जुड़ी माता धरती पति प्रभु आज ये धरती के आज बचाने परमात्मा ये धरती के अस्तित्व है कम खतरा में है प्रभु ये धरती माता लोक में धसी बन जावत के सियाराम माता धरती के बात लक्ष्मी भगवान विष्णु धरतम जान गए सुकार लगाता हंस देवी भगवान विष्णु पर दाहिना जंघल आगे करिश दाया कौन से अंग लगा थिरनी हो जेमी अंग जेमी जान ले आगे करिश भगवान विष्णु अपन दाहिना जंघा से दो के सुखाड़ी एक श्याम रंग के केस और एक सफेद रंग के देवी धरती कथ देवी ये और शरीर के अंश आए जेम कुछ समय बीते बाद ही ये धरा तल में अवतरित हुई हे सियाराम जैसे बड़े बड़े पाप मन के सहार कर ही देवी तोर पर पाप के बोझ तेरा हल्का कर ही दे ऐसे कही के जी मात्र धरती रा सांत्वना दे थे राई देवता वाला घरो कर थे देवता हो तहु मन है मोर से पहली गोप वाले बन के धरती में अवतरित होकर के अनेक राक्षस मन के साथ युद्ध करे हो और माता धरती ऊपर पाप के बोझ झेल रहे हैं बोला हल्का करे के प्रयास कर हो हे सियाराम ऐसे कह के लाया सबों के सबो सियाराम अपन अपन लोग लौटे के आदेश दे हे सियाराम तोरे चरण के छाव रामा जिंदगी हवन बिताना जाना जाना ही राम 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 के भी मोला जाना ही राम जाना जाना ही राम 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 के भी मोला जाना ही राम सिया Thank you.
आज देखो ना, समय बीतत है कंस के अत्याचारी वाल हत रहे। कंस रहत अपन ताकत के हंकार में चूर, अपन बाप ला घल ललकारे बा। आज देखो दाई जेन बाप हे दंसरा ओला उंगली पकड़ के चलना सिखाई दाई, उही बाप ला यार झुकारे लगे हे श्याराम। कंस रहत में भुजा में पकड़े वो पिता श्री के सिंहासन में बैठे रहा राजा अग्रसेन। अरे भुजा में पकड़ के रखे सिंहासन श्री से जमीन में श्याराम। देखो श्री राम कंस रहत कौन वह साज उग्रसेन और पवन रेखा के शादी ला 11 साल समय बीत रहा है, फिर भी उनके घर में कोई भी संतान नहीं निश्चित रहा। लेकिन राजा उग्रसेन यज्ञ हवन करके वो संतान ला पैस वह संतान आज नारायक निकल गए हे श्याराम। आज अपन बाप ने धिक्कारा थे कथे पिता श्री, अब तय मथुरापुरी के राजा बने दलाया ये सिंहासन से थोड़ा नीचे उतर पड़ी हे श्याराम। कंस रहे तो अपन बाप का चिकारा करे में बंद कर दी सुनिया। वास्तव में देखो आज ये संसार में ही घटना घटत है का, अरे बेबाप बेटर अपन हाली खाकर के जिसने बड़ा बड़े करते श्याराम, जैसे बेटा पढ़ लिख के नौजवान अवस्था में आते हैं अपन पैर में खड़े हो जाते ना, दाई दाई और ददा कौन है इला भुला जाते हे श्याराम। आज संसार में देखो जेन महतारी खून और पसीना ले बहा करके बेटा ले सींचे रखे दाई, आज बेटा है तो माँ हो बाप ने धिक्कार रखे वह है भागा बेटा। जेन दाई और ददा के सेवा ना कर ले तो पूछे मिलती सुनेगा, आज भी गिरा महतारी और बाप ने धिक्कार धस हे श्याराम। शास्त्र में कथे दाई कि माँ और बाप के पूजा लेकर माँ और बाप की सेवा लेकर अरे भगवान के सेवा और पूजा करे के जरूरत आज कंस रहा तो ही कामला करत थे कथे श्याराम। कंस रहा तो अपन पिता श्री कृष्णा कारागृह में बंद कर जाई, आज ये हर समय देखो श्याराम देवकी और वसुदेव के विवाह की तैयारी है तम चलत थे कथे श्याराम। आज ही मथुरापुरी के राजा बन गया है कंस, जेकर चाचा देवक जेकर सात बेटी में से सबसे छोटी बेटी का नाम देवकी, अब्रज मंडल के राजा सूरसेन जेकर बेटा वसुदेव श्याराम, दोनों के शादी की तैयारी चलत है जाई। आज जुर्माटी हो गए श्याराम, मैं नाचा हो गए सुंदर बरात जाए के समय ही के श्याराम। जैसे बरात जाए के समय होते रही बरात है तो निकले मथुरा पुरी में पहुंचे, बरात के स्वागत है तो चलत थे के श्याराम। झूले ना हम दाई झूले ना बरात बच्चे बच्चे के वो झूले झूले Yeah.
और आपके स्वागत में जैसे करिश्माई आज सुंदर मंडप स्थल में राय से हम देवी वर्ष देव के साथ ही तुम संपन्न होते जैसे देव के वर्ष देव की वह तुम संपन्न होते से राम बेटी का विदा करे के बेरा जैसे बेटी की विदा करे के होते राई आज बेटी का विदा करे के पीड़ा जेन बेटी का विदा करे है वो महतारी और बाप जान सकते कि बेटी का विदा करे की पीड़ा का होते सियाराम आज दाई और दादा फूट फूट करके रोते कच्चे बेटे ही जैसे जब हतारी और बाप के घर में माँ और बाप के संस्कार अपना करके रखे इस बेटी वैसे अपने ससुराल में जाकर के महतारी और बाप के मान सम्मान का ख्याल रखे आज जा बेटी माए बाप के ऊपर कोई आंच मन आट दे दे जैसे ससुराल में जाके ससुराल में अपन सास और ससुर ला महतारी और बाप के समान बांध दे के सियाराम जय पहुना होगे आज ये हमर घर बेटी पहुना हमर बर सगा हो गे सियाराम आज रे ते हमर बर पराया धन हो गे सियाराम बेटी ने पराया धन कह दिस जेन बेटी ने महतारी 9 महीना तक ले अपन घर होय संभाल करके रखे सु भाई आज जेन बेटी ना महतारी अपन खून के धारा रखे सियाराम ओ बेटी पराया धन हो गे सियाराम लेकिन देखो सराम जैसे बेटी एक कुल में हिस महतारी और बाप के कुल के समान सम्मान रखी सराम आज वो बेटी एक पल में पराया के घर में जाकर के माँ और बाप के प्यार भुला करके परिवार में घुल मिल उठे सराम ऐसे होते बेटी के सियाराम आज बेटी के काम होता के मखान करे भाई आज ही समाज में देखो वही बेटी वाला भेदभाव के नजरिया से देखे जाते के सियाराम जेन बेटी दो कुल के संस्कार लबना करके रखे सियाराम आज वही बेटी का भेद और भाव के नजर से देखे जाते वास्तव में आज बेटी के मान सम्मान घरो खतरा से पड़े के सियाराम आज कई जगह देखा दाई हो देखे वर मिलते व्हाट्सएप के माध्यम से अरे समाचार के माध्यम से देखे और सुने वर मिलते हैं कि बेटी वर के साथ में कौन से अत्याचार हुआ आवन से आप आज इंसान कई परिवार ऐसे हैं जे बेटी अपने घर में जन्म देना नहीं चाहते है ना भाई ऐसे भी परिवार है जेन बेटी ला नहीं चाहे अपन परिवार में काबर नहीं चाहे बेटी रही तब तो हम हैं बेटी से हमारा विकास होना है राई बेटी से सृष्टि के विस्तार होना है के सियाराम बेटी के मान सम्मान के ख्याल रखन अरे बेटी है तो हम हैं अरे बेटी नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है के सियाराम आज एक बेटी देव की है सियाराम जेकर सुंदर विदाई के बेला है के सियाराम बेटी ने विदा करे और भैया कंस रखते बेटा कंस तो बहनी देवी जात सुंदर ये दोनों ने विदा कर क्या हे सियाराम आज बहनियों दमान रथ में बिठा है दाई
सुंदर विदा करे बन ले जावा थे के श्याम अरे बिटिया हो गे नर तन पाप पर बुधिया हो गया पर बुधिया हो गए आधा रास्ता के बाद देखते आज दिन के समय रहा है घोरे भारी छागे श्याम बिजली रह तो तड़प तड़प के टूटे लगे थे अरे बादल है तो गर्जना करे लगे घोर अभी तूफान आकाश मार्ग एक तरफ से आवाज आने लगे थे जाको पहुंचा चले अरे बालक ताको आश्रो रामा हरे है तो रे भक्तन जिन देवगी और उस देव की विदा कर बोले जावा कृष्णा उही देवगी के आठ पुत्र दुर्गार होगी दुर्गार होगी दुर्गार काल के बात लसनिस दाई कंस रह तंत्र मरागे कथिया रे देवकी के आठों पुत्र मुरवार हो नहीं अरे ओकर से पहली देवकी मरना कौन बात है दाई कोनो इंसान ला ओकर आने वाले समय पर बता दे कि भैया देवदे कर जावे वहां पट के गिरवे नहीं थे तो सतर्क हो ही नहीं हो आज इसमें सतर्क हो गए कंस अरे देवकी के आठो पुत्र मंगल हुई नहीं ओकर से पहले देवकी लमरना आज कंस रहा तो बहनी की भुजा ला पकड़ी शराब अरे रथ में बैठे रहा बहनी भुजा ला पकड़ करके रस्से नीचे जमीन में जैसे रस्से जमीन में नीचे पटके दाही बहनी के केस न पकड़ के खिसला वत ले जावत थे के श्याम अरे तो आज तो पुत्र बोलकर होना कहीं ओकर से पहले तो न मरना देखो भाई जेन भाई अपन बहन ला सुंदर विदा कर ले जावत है श्याम ओ भाई अपन बहन ला मारे मर जावत भैया के करतूत ले देखे बहनी रहत पुकार करे ले ठिकते भैया कही भैया अरे भाई तो कर छोटे बहन न भैया अरे बोला मत मार भैया बोला मत मार भैया के यार अरे भाई तो परम प्यारे बहन न भैया भाई तो कोनो कार्य नहीं बिगाड़े हमारा भैया अरे भाई और बहन की रिश्ता तो पवित्र रिश्ता होते न भैया
लेकिन आज बोला बाहर करके मेरे भाई और बहन के पवित्र रिश्ता रहा बदनाम झड़ी करे हे सियाराम जय। आज मैं आन से तलवार निकाले हे कंस दाई पहनीला मारत हवि समय की बात देख हे सियाराम जय। सब बात ला देखत रह राजा वसदेव जी कथे भगवंत बन मोर पत्नी ला सात वचन के धागा में पियो जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वचन है दाई कि अगर पति ऊपर कोई भी आपत्ति आ जाए विपत्ति आ जाए तो पत्नी ऊपर साथ में खड़ी रहेगी। अरे पति ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो पत्नी ऊपर साथ में खड़ी रही हे सियाराम जय। आज विपत्ति के बाजा है तुम देवती ऊपर मंडरा है सियाराम पत्नी ने बचाए की युक्ति बना थे राजा वसदेव जी कथे भैया। अरे देवकी तो तुम तो कार्य नहीं बिगाड़े है ना ते देवकी ला मार करके पाप की भागीदारी मत बने थे सियाराम जय। आज कंस रहा तो कहे लगे नहीं अरे ना रही मां तो कैसे बजेगी पाप थे सियाराम जय। राजा वसुदेव रत्न हाथ में जोड़ करके कहते हैं प्रिया देवकी के आठवां पुत्र तो पार हो गया मैं वचन देवत देवकी के आठवां पुत्र ला कोई कहे देवकी के जन्म से जब एक संतान जन्म ही एक एक करके तुम चरण मिला कर के डाल दो होगा फिर चाहे मारस चाहे बचावत सियाराम जय। आज देखो भाई वचन के बाद ला सुनी सियाराम राजा वसुदेव रहा के वचन ला सुने कान से तो हम कहे लग के ठीक तो बात है। अरे जेड़ दिन में देवकी के आठवां संतान जन्म ही उही दिन में देवकी के आठवां संतान की हत्या कर दू और ए दुनिया में अमर हो जाए ऐसे करके आज कंस रहा तो देव के वसुदेव का सुंदर विदा करे एक के सियाराम। आज कैसे विदा ला पाए भाई सुंदर मंगलमय जीवन बितावा थे सियाराम समय ही कम बीते लग गए के माटी के काया ये माटी मांगिन हीरा तोर हीरा जन से काया एक दिन भूली जाही ना तोरे मोसे परवना एक दिन भूली जाही ना तोरे मोसे परवना। सीतोर बात गिराई ये माटी के काया माटी में मिल जाना है सियाराम ये तन रूपी पिंजरा में ये जीव रूपी पंछीरा ते कंदो छुपा कर रख ले ये के लिए जीव रह तो पिंजरा तोड़ के उड़ जाए कैसे बोलो राजे पापों की जोड़े ना
माता देव के हाथों सुंदर गर्भ धारण कर थे सियाराम। जैसे माता देव की गर्भ धारण करे हे दाई, माता देवकी के गर्भ के समय पूरा होती एक सुंदर से बालक के तन जन्म ले हे सियाराम। जैसे बालक जन्म लेते भैया राजा वसुदेव जी हर तम देखे माथा ला पकड़ के वृक्ष ले करके कहो आज मोर वचन ला पूरा करत हो तो वास्तवा एक महातारी के गोद और सुनता हो हे सियाराम। तो मोर वचन है तन व्यर्थ हो जही के सियाराम। विचार में पड़े रहे राजा वसुदेव जी सियाराम। बहतारी देवकी की नजर पड़ी सुपर पति के ऊपर। आज सती नारी देवकी पति अंता नारी देवकी पति के मन के बात न जान बिस्ती होती सियाराम। वह पर पति के मन के बात न जान दिखते सियाराम। पति अंता नारी कौन ना कथी रही एका ही धर्म एका व्रत ताया वचन मन पति पद प्रेम। जिन नारी तन मन धन से अपन पति के सेवा करे पूजा करे ओला कथे पतिव्रता। आज अपन बालक ला वसुदेव जी के गोद में सौंपी सियाराम। वसुदेव जी रहा बालक ले लेकर के कंस के चरण में पहुंची। भैया ये मोर वचन में पूरा करत हो ये देवकी के पहला संतान है तेरा ते चाहे वारस चाहे सियाराम। राजा कंस हाथ में बालक ले देखी जाए महायताई महापापाचारी महादुराचारी कंस जेकर मन में दया जाता कंस हाथ में वसुदेव जी ले कथे वसुदेव जी अरे तोर पहली संतान से मरा कोई खतरा तो राघवा संतान तोर काल है तो जा मैं तोर पहली संतान ले जीवन दान सियाराम। आवंदाय हो क्रिया वंतिक संकेत हे सियाराम। कथा में जैसे वसुदेव जी बालक ने लेकर क्या थे नारद मुनि जवार द्वारा कंस की मस्ती में भ्रमित करे जाते राई ओकर बाद में कंस हाथ में बालक करा हत्या करके देवकी और वसुदेव ने कारागृह में बंद करे। देवकी के एक एक करके छह संतान की हत्या हो थे सियाराम। सातवा और आठवा गर्भ में भगवान विष्णु के श्वेत के सब श्राप के प्रवेश करे जाए ये धरती में भगवान के सुंदर अवतरण होते पापी मन के सहार करके ये धरती ला पाप के बोझ ला हल्का करते थे सियाराम। आवन सियाराम पीली बत्ती के संकेत है हमरो मन की सुंदर विदा करे विदा दे के समय जाने के समय है तो आप सब जय निवेदन है सुंदर ताली बजाते हुए भजन में सहयोग प्रदान कर हूं हे सियाराम। आवर हमर एक संदेश है दाई भाई का कि आज हमारे ये तो आत्मविश्वास है घटत और ये आत्मविश्वास घटे के कारण हमारे ये जो सनातन धर्म है ये विनाश के गति में जावत है कहते सियाराम। हम सनातन धर्म के इंसान सनातन धर्म न मानने वाला हमार इष्ट है राज रामचंद्र जी भगवान हमार इष्ट हमार जो सनातन धर्म है एक से अनेक देवी देवता न मानने वाला हम दाई लेकिन का हमार विश्वास इतना कमजोर हो गए जिनमें आज दूसरा धर्म अपनाए बढ़ जावत हम कहते सियाराम। का हमार आत्मविश्वास इतना कमजोर है सियाराम जिन दूसरा धर्म की ओर चले जावत का हमार भगवान पर हमारा विश्वास नहीं है नहीं है वो अभी ना तो अन्य पंथ में काबर अपना था अन्य धर्म में काबर अपना था तो आओ सब संकल्प करें कि भगवान के राम के नाम में प्रचार करें अपन सनातन धर्म विनाश हो से बाकी ही कैसे अपन प्रभु पर विश्वास कर वो तब थे सियाराम। तो समय दिन करके बोले हो राम चंद्र की देवी प्रभु श्री राम लाल निशान लहराएगा भारत की सरजमीन पर
अब ए कहीं नारा आया। कौन से नारा छाएगा? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर घर में अब ए कहीं नारा, हर घर में अब ए कहीं नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा जोरदार ताली के माध्यम से अभिनंदन का भाव अच्छा प्रसाद संकेत करेंगे इन शब्दों के साथ कि खेत में फसल का, तालाब में कमल का, कि खेत में फसल का एक रहन यही का नाम हारू का थोड़ा हो गया। मैं पीला पत्र जना जगह मतलब मोर रही तू एक रहन कुछ नहीं था तो मैं कहा तो तेरे पहले सुनो कि खेत में फसल का, तालाब में कमल का, उधार में असल का, परीक्षा में नकल का बड़ा महत्व है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, संत जनों के संत जगदास जनों के संत जगने दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। Oh, my God.
Thank you.